desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside. इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं यहाँ पे, इसके कोड लगा होता है। आज मैंने कैंटीन से ये ख़रीदा और ये मेरा लंच है। 11 बज गए तकरीबन, 11:30 और इस टाइम हम आके कैंटीन से खाना खा लेते हैं। यहाँ पे खाने के दो टाइम होते हैं, 11 से 2 बजे तक और दूसरा शाम के टाइम 5 बजे से लेके 8 बजे तक कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर आप 8 बजे तक आ जाएँ तो कुछ ना कुछ मिल जाता है यहाँ पर। ये लंच के बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी लंच का टाइम ख़त्म हुआ है, कुछ लोग फिर भी लंच करने जा रहे हैं और ये आप देख लें यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट होता है। ये सामने बिल्कुल लाइब्रेरी है, हमारी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है ये जो है, ये वाली, और ये सारे क्लासरूम्स हैं इसके इर्द गिर्द, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ये सारे। पहले ये वाली क्लास जो आपको अभी ये नज़र आ रही है, ये हमारी क्लास होती थी, लेकिन अब हमारी बिल्डिंग चेंज हो के बिल्कुल दूसरी तरफ चली गई है, वो बिल्कुल एंड यूनिवर्सिटी में। ये थोड़े थोड़े फासले बाद एक्सरसाइज करने की जगह इन्होंने बनाई हुई है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। कभी कभार दिल करता है एक्सरसाइज करने का तो बंदा फिर इधर आके कर लेता। इसके अलावा ये मैं मेन बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ इस टाइम, ये साइड व्यू है इसका, और बिल्कुल सामने हमारा वो गेट है जहाँ से मैं एंटर हुआ था जब हम चाइना वापस आए हैं, वो वाला गेट बिल्कुल सामने है। ये यहाँ पे बेंच बने हुए बैठने के लिए, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके दिखा सकता हूँ, एक दफ़ा में तो पूरी नहीं हो सकती। एक तो जगह भी काफ़ी है इसमें और चीज़ें भी इस हिसाब से बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे वांखा के नाम से एक जगह है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, एटीएम्स हैं और मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और वहाँ जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा इनकी मार्केट्स किस तरह की होती हैं। मे भी एक वीडियो में आपको पहले मैंने दिखाया है इनकी हलाल रेस्टोरेंट वाली जगह, तो वो सेम जगह है, मैं वहाँ जाऊँगा और आपको इनकी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी दिखाऊँगा जो दिखा सका। ये सामने आपको ग्रीन कलर का सिग्नल नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, ये पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल है जो यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं उनके लिए। वो सामने भी आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन ये भी सिग्नल अभी चल रहा है, ऊपर सेकंड चल रहे हैं कि कितनी देर बाद गाड़ियाँ चल पड़ेंगी और आपको रुकना पड़ेगा वेट के लिए। सामने बिल्डिंग चेक करो, ये होटल है। इस तरह की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे आम तौर पे देखने को मिलती हैं, आम ऐसी बिल्डिंग्स। ये जो साइकिल्स खड़ी हुई हैं इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, यहाँ पे इसके कोड लगा होता है, ये आप कोड स्कैन करें, अली पे एक ऐप होती है उसके थ्रू ना, तो ये 2 युआन में आपको, ज़्यादातर 2 युआन में आपका सफ़र पूरा कर देती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर जाएं तो वो फिर डिस्टेंस के हिसाब से 5 युआन 6 युआन इतने बन जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके पास अपनी कोई राइड नहीं है, अपनी कार नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो आप ये कम फासले के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जगह जगह इनके स्टैंड्स बने होते हैं, आप एक जगह से चलें यहाँ से और आपको काफ़ी सारी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर आप ये पार्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो इस रास्ते में एक तो मेरे पीछे इस तरफ वो भी खड़ी हैं,
और उससे पीछे भी खड़ी हैं कुछ फासले पे, तो यहाँ पे इसका कोई मसला नहीं है। चाइना की लाइफ वाकई काफ़ी कन्वीनियंट है और यहाँ पे बस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा बस में बैठ के। आज तो मेरा कोई मोड नहीं है बस में कोई सफ़र करने का, ज़रूरत भी नहीं है, तो जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं बस में आपको वीडियो बना के वो भी दिखा दूँगा। मैं भी रास्ते पर चल रहा था फुटपाथ पर, लेकिन फुटपाथ के साथ भी इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है, ये भी आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने थोड़ी जगह के बाद हर कुछ फासले के बाद जो चीज़ बनाई होती है, ये देखें वो फुटपाथ है, साथ सर्विस रोड है और ये जगह भी इन्होंने बनाई हुई है। इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो आप जॉगिंग करेंगे तो आपके पाँव में दर्द नहीं होगी, ये बहुत ऐसे फोम की तरह सॉफ्ट है। अब आजकल ये है कि आजकल सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो चुकी हैं, अब बस ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं तो आपका स्टूडेंट कार्ड देखा जाता है, उससे पहले कोविड से पहले ये काम भी नहीं था, कार्ड भी नहीं देखते होते थे, कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी में वैसे ही आ जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अब बस वो कार्ड देखते हैं और उसके अलावा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने मास्क भी नहीं पहना हुआ, तो अब मास्क वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कि आपको किसी जगह पे भी नहीं रोकते अगर आपने मास्क ना पहना हो तो, अब आपकी मर्ज़ी है पहने ना पहने, एक ही बात है। ये लोग यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं सर्विस रोड पे, इसका भी कोई मसला नहीं, ना चोरी होने का ख़तरा है, आप जिस टाइम मर्ज़ी रात को 1 बजे 2 बजे जब चाहें यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दें, जब चाहें यहाँ से गाड़ी निकाल लें, इसका भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये फुटपाथ के साथ साथ बैठने की कुछ जगह बनी होती हैं और इससे आगे वो दोबारा जॉगिंग ट्रैक। मैं अब फुटपाथ पे चलूँगा, मैंने जल्दी जाना है वापस, इसलिए ये देख लें यहाँ पे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, वो कोई मसला नहीं है इधर किसी भी चीज़ का। ये पीछे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं वही साइकिल बैटरी वाली। और ये अभी तक बंद है, जब रेड हो जाएगा इसका मतलब होगा कि अब मैं नहीं जा सकता, तो देखिए मैं पहुंच गया। मैं भी जिस जगह किसी काम से गया था वहाँ पे एक चाइनीज़ मुझे मिला और उसने मुझे एक गिफ्ट दे दिया, कहता है कि आप बाहर से आए हो पाकिस्तान से, तो ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए। ये उनकी कोई कल्चरल कोई चीज़ है, ट्रेडिशनल फूड है कोई स्नैक कुछ कह रहा था, मुझे इस चीज़ का नहीं पता क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ नहीं देखी हुई, तो मैं अब ये खोल के देखूंगा, उससे पूछूंगा भाई ये हलाल खाने के काबिल भी है या नहीं, तो फिर से चखेंगे। ये वापस आ जाती है हमारी यूनिवर्सिटी शंसी मेडिकल यूनिवर्सिटी शंसी का ताश है। ओके लेट्स गो फ्रॉम द इट्स आवर साउथ गेट नानमन। वापस अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ, अब मैं स्टेडियम वाली साइड पे जाऊंगा और वहाँ देखूंगा अगर कुछ लोग खेल रहे हैं तो मैं भी फिर ये कपड़े वगैरह चेंज करके कुछ देर बाद ग्राउंड में आ जाऊंगा खेलने, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और आज हम फ्री हैं, तो छुट्टी के दिन अक्सर खेलता होता हूँ मैं, कभी फुटबॉल कभी बैडमिंटन, आज देखते हैं आज जहाँ लोग हुए हम वहाँ जा कर खेल लेंगे। मैं यहाँ पर नज़र मारने आया था कि कोई खेल रहा है या नहीं, तो कुछ लोग इधर आए हुए हैं, अब मैं भी कुछ देर बाद यहाँ पर आऊँगा यहाँ से खेल के, तो वापस चलेंगे लाइब्रेरी। ये गर्म पानी है फुल, धुआं निकला इसमें से, ये नॉर्मल पानी। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको ये जगह भी दिखा दूँ, ये भी लाइब्रेरी के सामने और क्लासरूम बिल्डिंग है उसके साथ,
जगह बनाई हुई है, यहाँ पे आप आके बैठें, स्टडी करना चाहते हैं स्टडी करें, काफ़ी खामोशी और सुकून होता है यहाँ पे भी। दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और बिल्कुल सामने कैंटीन भी है जहाँ से हम अक्सर खाना खाते हैं। इस तरह की असल में 3 कैंटीन्स हैं, ये उनमें से एक है और आई थिंक ये सबसे पुरानी कैंटीन ये वाली है, जो बाद में नई बनी है वो तो हमारे होते हुए बनी थी, लेकिन एक ये कैंटीन है और एक दूसरी तरफ है, उस तरफ वो पहले से थी ये दोनों कैंटीन्स। और यहाँ पे ये आजकल दरख्त उग रहे हैं, इन पे फूल लगते हैं पिंक कलर के और ये बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता, इन्हें कहते क्या हैं, किसी को पता है तो कमेंट्स में बताओ मुझे भी कि किस चीज़ के दरख्त हैं। मैंने भी किसी चाइनीज से नहीं पूछा कि किस चीज़ के दरख्त हैं, उन्हें तो डेफिनेटली पता होगा, पर ये बहुत प्यारे लगते हैं। देखिए ये उस तरफ भी हैं और यहाँ पे मेन एंट्रेंस की तरफ भी लगे हुए हैं। ये हमारी डॉर्मेट्री शुरू हो गई।